कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? अरे यार बढ़िया है। हम लोग बहुत ही बढ़िया है। आज हमारा अक्षय व्लॉग्स का किस चीज का रिलेटेड ब्लॉग है शुभिया? आज हम लोग नोएडा आए हैं। नोएडा जिसमें है कि हम दो तीन शोरूम पे विजिट करेंगे, KTM, रॉयल इनफील्ड और शायद बिनेली भी है ना यहाँ पे, देखते हैं। हाँ। आज हमारा वीडियो जो अक्षय, आज हमारा व्लॉग है वो है बाइक्स के बारे में। हम लोग काफी टाइम से सोच रहे हैं कि हम लोग कोई नई बाइक उठाएं, खरीदें या फिर देखते हैं। हाँ। तो कंफ्यूजन चल रहा है दो तीन बाइक्स के बीच में, विच इंक्लूड्स KTM 390, KTM RC 390, RC अभी तक इंडिया में नई आई नहीं है, और डोमिनार और हिमालयन 400 और एक जीट और एक बेनेली की और कॉन्टिनेंटल। तो ये गाड़ियां हैं जिनके बारे में हम कंफ्यूज हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कैसी बाइक्स हैं, क्या प्राइस है, कितना पड़ता है, और अगर लगता है तो सून होप वी विल हैव अनदर मशीन इन आर गैराज, स्मॉल गैराज। तो देखते हैं, अभी कुछ गारंटी नहीं है, बट हाँ बाइक्स का वीडियो है तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। नेक्स्ट वीक आपके लिए सुपर बाइक्स का वीडियो सोच रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट वीकेंड जो होगा। तो चलिए अभी हम लोग फर्स्ट आज शुरुआत करें KTM शोरूम से। नोएडा सेक्टर 63 का शोरूम है ये, और इसमें दो तीन बाइक्स देखेंगे हम लोग, RC, ड्यूक सारी देखेंगे, लेकिन मेरी प्रेफरेंस एडवेंचर है, एडवेंचर 390, उसके बारे में थोड़ी मैं इंक्वायरी करूंगा। तो चलिए देखिए, आप अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा गेट दरवाजा जो भी है। हम आ गए हैं, अभी अंदर चल के आगे की कार्रवाई शुरू करें। क्या हाल है गार्ड भैया? आशु भैया कहाँ जा रहे हो? इसका मुझे ना समझ में नहीं आता, बाइक तो है बट समझ में नहीं आती है कि क्यों है। वो है, खरीद लो ऑफिस चले जाओ। भाई ये एडवेंचर है अशु, नाइस यार, ये तो 250 है, सही लग रही है। देखते हैं अगर टेस्ट राइड वगैरह आज मिलती है तो। लाए हैं? बिल्कुल लाए, बहुत बढ़िया। नहीं लाए, भूल गए है ना, निकाला था गाड़ी में। अच्छा रखा है, मैंने पीछे रखा है बैक सीट। अच्छा ठीक है। ओहो ऑरेंज, नाइस। आ जाओ। तो दोस्तों आज हम लोग KTM के शोरूम पे आए हैं सेक्टर 63 में, और ये कुछ बाइक कलेक्शन है इनका। जैसे कि आपको भी पता है दो वेरिएंट आते हैं, एक तो KTM ड्यूक आता है और एक आता है इनका RC। तो जो ड्यूक है उसमें ये कलेक्शन है, ये 125 है, ये फिर वो आपके पास 200 है वाइट वाली, दिस वन, और फिर उसके बाद बात करते हैं ये 250 डिलीवर हो है। हमारे भाई आए हुए हैं, इनकी ये है, तो 250 सीसी की ये वाली है, और वो है 125। सो स्टार्टिंग KTM यहीं से शुरू करता है ना, 390 भी है, और ड्यूक में ही एक अपना लास्ट जो वेरिएंट है वो 390 यार टॉप वेरिएंट होता है। इससे शुरुआत करते हैं हम लोग आज की। तो इसमें USD WP के USD आते हैं, अपसाइड डाउन फोर्क्स, ये LED है DRLs, डीएलएल रनिंग लाइट के लिए, और ये 14.5 की VHP, 14.5 का देता है 900 RPM, 9250 RPM पे देता है, और टॉर्क इसमें 12 Nm का है जो 8000 RPM पे देता है। ओके फ्रंट और बैक दोनों में डिस्प्ले आते हैं इसके। हाँ जी बिल्कुल, ट्यूबलेस टायर्स हैं, ट्यूबलेस टायर है, मोनोशॉक है पीछे, और गाड़ी रेडी टू रेस है ऑब्वियसली, जो DNA इनका है, पीछे LED लाइट है, टेल लाइट्स भी LED आती हैं इसके, ये और DRL है, ये नॉर्मल है, ये LED है, और इसके अंदर सिंगल चैनल ABS आता है। जैसे मेरी हाइट है 5'9" हाँ, तो आशु भैया तकरीबन है 5'10" के, एक सेकेंड होल्ड, छोटी है काफ़ी है ना, पूरे पैर तो टिक ही रहे हैं लेकिन छोटी भी है। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं इस तरीके का कुछ आपका सिटिंग पोस्चर बनेगा, राइट। तो ये हमारी हो जाती है KTM ड्यूक 125। मैं एंड में इसका प्राइसिंग वगैरह तो बताऊंगा। अभी भैया कह रहे थे कि ये पुराना वेरिएंट है, अभी नया आने वाला है, पता नहीं क्या क्या था, तो हम उनसे एक बार को पूछ के बताएंगे कि 125 में
क्या प्राइस की पड़ती है? थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर करना क्योंकि भाई यहाँ पे एक गाड़ी की डिलीवरी चल रही है उसकी वजह से। हाँ जी अशोक, सेम एग्जैक्टली कुछ नहीं, LED इंडिकेटर्स है और ब्लैक व्हाइट में फिनिश्ड है। यहाँ पे आपको 200 का कॉन्फिगरेशन मिलेगा, पीछे LED है, कोशिश जा रही है अभी तो व्हाइट ब्लैक की शेड में मिलेगा आपको। यहाँ 200 आपको लिखा मिलेगा इंजन कैपेसिटी ड्यू, पिछली जो सीट है ये दोनों स्प्लिट होंगी राइट। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स, ये आपको फेंडर मिल जाएगा और पिछले में भी डिस्क ब्रेक है, KTM की यही खासियत है स्टैंडर्ड डिस्क ब्रेक्स है और ये डुअल चैनल आता है राइट। ये डुअल चैनल है, 25 BHP की पावर जनरेट करेगा इसका इंजन और नियर अबाउट 19 Nm का टॉर्क है तो कैपेसिटी 13 लीटर और 159 kg। अच्छा इसका 13 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है। मुझे इसके सिक्स गियर बॉक्स है नाइस। नहीं सिक्स गियर 125 में भी आपको 6 मिलेंगे। ओ, मुझे नहीं आइडिया था इसका तो। ओके BX6 की वजह से अगर आप देखोगे तो एग्जॉस्ट में आपको एक अलग से वो पिन दिखेगी वो BX6 बनाने के लिए। ये आपका कूलेंट हो जाता है, ये कूलेंट गार्ड है आपका। एक्सेसरीज बाहर मिलती हैं अगर आपको ये हटा के आपको फॉर एग्जांपल क्रोम या फिर स्टील की लगवानी है वो भी मिल जाती है। क्वालिटी वाइज बहुत अप टू द मार्केट है और एज मैं थोड़ा सा देख रहा था कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। राइडर वाइज तो बहुत ही कंफर्टेबल होती है बाइक ये, बट हाँ जैसे रियर सीट आप देख रहे हो पहले से बढ़ाई गई है साइज़ रियर सीट का तो थोड़ा बड़ा किया गया। नेक्स्ट बाइक पे आते हैं, ये है KTM की अपनी 250 ड्यूक। अगेन ड्यूक की ही रेंज है, RC हम बाद में चलाएंगे। ये जो बाइक है वो आज डिलीवर होने वाली है, एक हमारे भैया आए हुए हैं इनकी बाइक डिलीवर होने वाली है। तो ये कितने की पड़ी आपको भैया ऑन रोड? भैया ऑन रोड पड़ गया 2.62। 262,000 रुपये की एक ऑन रोड है जिसमें आपको सब कुछ अपना RC सब इंक्लूड हो जाएगा। इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है वैसे? इसकी LED ये जो लाइट इसकी है, हाँ यार इसकी DR इसकी हेडलाइट बहुत प्यारी है, बड़ी सही है। तो इसकी चाबी लगी हुई है तो हमने कहा एक बार थोड़ा ऑन करके देख लें। माय गुडनेस सुपर ड्यूक इंस्पायर्ड। तो ये किसी टाइम पे 1250 या 1290 आती है ड्यूक की, KTM की सुपर ड्यूक उसमें आया करते थे। हाँ बट अगर हाँ काफी अच्छा अगर आप देखोगे तो ये मीटर है फॉर एग्जांपल तो इसके अंदर ये किए कलर आता है 250 में और मेरे ख्याल से एक कलर और आता है जो कि वाइट और जो इनके पास है नहीं, वाइट और ऑरेंज कॉम्बिनेशन आता है। सीट्स इन लोगों ने नई दी हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही हैं, है ना। और पिछले वाले भी स्पेस सेम फेंडर्स हैं और सेम आपकी टेल लाइट LED है, सेम आपको मडगार्ड फेंडर LED इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इसके अंदर एग्जॉस्ट बदल जाता है, वो सारे अंडर बेली रहते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ है राइट। हाँ ये निकाल रहे हैं आपके 30 BHP 30 BHP निकाल रहे हैं और 24 का टॉर्क है 7500 RPM। आपको चाबी कुछ कुछ ऐसी मिलती है, अगर आपने कभी पल्सर चलाई हो 220 तो आपको दिखेगी कि स्टार्टिंग में ऐसी आई करती थी, फिर तो 180 भी ऐसी होगी चाबी। बट इसके अंदर सेम 6 गियर आते हैं, 6 स्पीड गियर बॉक्स है आपका, डुअल चैनल ABS है, स्विचेबल ओके। तो आप पिछला जो टायर है वो लॉक कर सकते हो और अगला आपका चलता रहेगा ताकि अगर कहीं फंस जाए तो निकल लेगी आराम से बाइक।
उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था क्वालिटी बहुत अप टू द मार्केट प्रीमियम क्वालिटी है अगर आप देखोगे, और इसके अंदर शायद ये स्टैंडर्ड है। इसका डिस्प्ले का पंप है अगर आप देखोगे तो, गार्ड पहले से लगा हुआ है जो कि मेरे ख्याल से है तो प्लास्टिक ही, बट आप इसे चेंज करवा सकते हैं। लॉक काइंड ऑफ है, देखो लॉक है। हाँ, आपका फुटरेस्ट का ये लॉक है, लॉक है तो हाँ जी, नाइस। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि साकी सॉकेट पे मिट्टी ना आए तो एक ये पार्ट है और एक ये अलग से प्लास्टिक का लगाया हुआ है जो कि यूजुअली बेसिक नॉर्मल बाइक्स में नहीं इतना ध्यान दिया जाता ताकि मिट्टी वहाँ तक ना पहुँचे। छोटी छोटी चीज़ें जो KTM ने काफ़ी ध्यान दिया है क्योंकि जिस तरीके का KTM का मार्केट है वो मोर और लेस रफ बाइकिंग का है। इसमें इंजन गार्ड भी है, ऑयल कूल्ड है, राइट, ये आपका यहाँ पे ये कूलेंट है, राइट, और ये सेम आपका गार्ड मिल जाता है, ये आपका रेडिएटर है। आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं अगर आपको कुछ भी पार्ट चेंज करवाना है तो, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लग जाती हैं, बट कीप दिस बाइक स्टॉक एज पॉसिबल। ये जैसा कि हम आपको बताएं 2,62,000 रुपये नोएडा का प्राइस है। तो KTM की ही अभी ड्यूक सीरीज ही चल रही है, 125 हो चुकी, 200 हो चुकी, 250 हो चुकी, और अब ये जो आपके सामने खड़ी हुई है ये है KTM की ड्यूक 390। थोड़ा जोर से, ये ड्यूक में प्रीमियम प्रोडक्ट है, 390cc का इंजन है और इसमें काफी एडवांस्ड इंजन है। मैं एक बार चाबी मंगवाता हूँ इसके लिए, तो ये हमारे लिए चाबी लेके आए हैं इस बाइक के लिए ताकि हम आपको थोड़ा सा, इसका तो 390 है, एक्सक्लूसिव इनकी प्रीमियम बाइक है, फ्लैगशिप है ड्यूक रेंज के अंदर। नाइस, दोबारा कर देते हैं? नहीं नहीं, आ गया तो इस तरीके का डिस्प्ले मिलेगा आपको, तो आपको दिन में भी काफी साफ डिस्प्ले है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा हो, अगर आप दिन में भी बाइक चला रहे हैं तो आपको दिखता है। ट्रिप कंसोल, स्पीड, ट्रिप टाइम, फ्यूल रेंज, तो ये जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक बोलो चाहे आपको, कीपैड्स बोल लीजिए, जो बटन्स होते हैं आपको, इससे आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, गियर पोजीशनिंग वगैरह सब कुछ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, एक्टिविटी भी है इसमें, ABS रोड, ये भी स्विचेबल है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको ABS यहीं पे दिख जाता है, स्विचेबल है तो ऑन ऑफ यहीं दिख जाएगा आपको, ये आपका सर्विस या फिर मेरे ख्याल से एक्सक्लेमेशन मार्क ये दिखाता है कि गाड़ी के इंजन में कुछ इशू है, अभी स्टॉक है इस वजह से आ रहा होगा, ये आपका इंजन ऑयल के लिए आता है और ये इग्निशन के लिए आता है, जैसी गाड़ी ऑन हो जाएगी तो ये गायब हो जाएगा। आपको नॉर्मली बैक में लिट्स मिल जाती हैं, लाइट मिलती हैं रात के लिए, ये आपकी गाड़ी के जो ये सारे के सारे सिम्बल्स हैं ये ऑन होते हैं, सेम चीज़ यहाँ आती है इंडिकेटर पे भी और नीचे हॉर्न पे भी। ये जो है ये स्टॉक बाइक नहीं है, ये थोड़ी सी कस्टमाइज है, इसमें नकल गार्ड्स लगे हुए हैं, राइट, स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, सेम DRLs मिल जाती हैं, सेम LED इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको, यहाँ यही आप WP के सस्पेंशन है, अपसाइड डाउन फॉक्स के, USD फॉक्स, ये नंबर प्लेट के लिए आप लोग स्पेशली इन लोगों ने लगाई हो ताकि नंबर प्लेट यहाँ रहे। सेम आपका डिस्क ब्रेक 320mm का होगा, अगला 320mm का है, बाइबर के ब्रेक्स आते हैं जो आपके, सो ये बाइब्रेम्बो होता है इसलिए बाइबर बोलते हैं इसको, इंडिया में बाइबर भी बोलते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इंजन कॉन्फ़िगरेशन बताइए। अब इसके बारे में बात करते हैं, इंजन सिंगल सिलेंडर है, 4-valve लिक्विड कूल्ड DOHC डॉक इंजन है, 390cc का है, ओके, 43 BHP की पावर जनरेट करता है, 320 का फ्रंट है, 230mm का पिछला, 230mm का पिछला, जैसे मैंने आपको बताया था अगला 320 और पिछला 230mm का डिस्क है। एग्जॉस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलता है एक्स बाहर की तरफ जो कि अंडर बेली नहीं है, जो यहाँ पे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और साउंड भी अच्छी देती है। स्विचेबल ABS है, स्विचेबल ABS है, अगेन सेम चीज है आप अगर आप देखोगे। और एक और चीज, स्प्लिट सीट है, 13 लीटर का फ्यूल है, 13.5 लीटर का, एक सबसे अच्छी बात क्विक शिफ्टर भी है। सो इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी आ जाता है और 13 लीटर का टैंक है और BHP कितनी थी, 43 BHP की पावर आपको मिलती है, तो सोचो गाड़ी का वेट कितना है इसका, मेरे ख्याल से तकरीबन 150 किलो के अंदर होनी चाहिए, 167 किलो के अंदर आपको 43 BHP की पावर मिल रही है, तो आप सोचिए धुएं काट देगी ये गाड़ी। और अगर आप पोस्चर देखें इसके अंदर, राइडिंग पोस्चर अगर आप देखें तो ऐसा कुछ आता है, और भैया भाई साहब की हाइट करीबन 5-9.5 है, तो अगर आप सेफर साइड माने 5-10 मान लो, उसके बाद पैर पूरे नीचे पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है कि बाइक बहुत ऊंची है, बिकॉज मोस्टली ये बाइक ये सोच के बनाई गई है कि एक स्ट्रीट बाइक के तौर पे हो, ऐसा नहीं है कि, हाँ जी, स्ट्रीट बाइक के लिए है, तो अपने रोज़मर्रा ऑफिस वगैरह घर वगैरह के लिए जाने के लिए,
उसके लिए है। मिरर्स आपको क्वालिटी स्टेबल मिरर्स देखने में तो लग रहे हैं, परफॉर्मेंस पता नहीं। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है आपको। जो आपका क्लच लीवर है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, 4 लेवल का 5 लेवल का। सेम आपको फर्स्ट फ्रंट डिस्क ब्रेक के लिए भी मिल जाता है कि आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। BS6 मॉडल है तो यही लेटेस्ट वर्जन है, एडिशन है इस टाइम KTM के पास अपने 390 फ्लैगशिप मॉडल में ड्यूक का। मैं इसका आपको प्राइस, ये आपको गाड़ी ऑन रोड पड़ जाती है तकरीबन 338 की, मैं 340 बोलूँगा क्योंकि 1000-2000 अपना इधर उधर हो ही जाता है। और डिस्क ब्रेक्स बड़े प्यारे दिए हैं इस पर। तो चलिए अब हमने ड्यूक का तो कर दिया है, अब हम RC की तरफ। जी RC अगर आप देखें, मैं थोड़े से आपको इसके पहले थोड़े व्यूज़ दिखा देता हूँ, है ना, थोड़े से ग्लिम्स वॉज जरूरी है। बड़ी प्यारी बाइक लग रही है अगर आप देखोगे ना, फ्रंट इसका मतलब आई डोंट नो, पीपल डिडंट लाइक इट बट पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। वो आराम से बताएंगे, मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा दूँ। शुरू करते हैं 125 से। हाँ जी, RC KTM का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और बहुत बिकता है। 390 भी अवेलेबल है, जो अभी दो प्रोडक्ट हैं उन्हें अपग्रेड करेंगे BS6 कंप्लाइंस पे। उसमें एक तो ये 125 है, दूसरा ये 200। तो पहले बात करते हैं 125 की, ये ब्लैक कलर थीम के साथ आएगी, ठीक है। इसमें ये यूनिट है, ये आपकी क्लियरेंस है, ये यहाँ इंडिकेटर जो पहले यहाँ पे हुआ करते थे मिरर्स में, अब वो यहाँ कर दिए गए हैं। ओके, ये 25 BHP जनरेट करते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन, 6-speed गियरबॉक्स है, WBK सेम जो ड्यूक का इंजन कॉन्फ़िगरेशन है सेम, कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। और बैठ जा, बहुत सही है। हाँ, जैसे कि पीछे मोनोशॉक है, यहाँ पे आपको फैन मिलेगा ताकि हीट कम हो, क्योंकि इन्होंने ये जो राइट फेयरिंग की वजह से ये जो फेयरिंग है ना, ये बाहर इसलिए किए क्योंकि जो पुरानी के RC चलाई होगी उसमें हीट बहुत आती थी, तो इन्होंने ये चीज बाहर करके ताकि एयर इनटेक अच्छा रहे और हीट बाहर निकलती रहे। फैंस भी अच्छे दिए हैं और ये बाइबर का है। फॉर एग्जाम्पल किसी और बाइक की अगर आप देखेंगे, उसके अलग डिस्प्ले हैं, बड़ी चौड़े से, इसके बड़ी पतले से। ये वेट लॉस करने के लिए गाड़ी का डाइटिंग कराने की जगह इन लोगों ने डिस्प्ले पतली कर दी है। ये कलर आता है, एक वो कलर आता है, मैं उसको भी आपको ग्लिम्स दिखा दूंगा, बट सेम डैश इसका मेरे ख्याल से डिफरेंट है, राइट। इसका मीटर चेंज है, चेंज लग रहा है। तो मैं एक बार आपको ये ब्लैक कलर का दिखाता हूँ, मुझे पर्सनली ये ब्लैक कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। RC 125 पे एक ये आती है, 800-125 में ये वाला कलर, 200 में ये कलर आता है जो कि वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। बाकी टेक्निकलिटी अभी थोड़ी देर में बताएंगे, भैया ज़रा चाबी लेने गए हैं। तो अगर आप देखोगे तो 200 में एक ये कलर आता है, वाइट एंड रेड, ब्लैक एंड रेड इन 125, एंड दैट वन इज सिल्वर, विच इज़ लाइक सिल्वर एंड रेड KTM का ना। तो अगर आपको देख रहा हूँ बड़ी प्यारी लग रही है खड़ी हुई, राइट। चाबी आ चुकी है, एक बार हम आएंगे, बहुत ही बढ़िया डैश अंतर। आपको यहाँ पे आपको गियर्स भी बता दें कि कौन से गियर इंडिकेटर, फ्लो मीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल, ये आपका RPM साथ में चले गए, स्पीड वो 0 किलोमीटर क्रैंक करके देखो। मैं आगे एक बार ऑफ करके हेडलाइट्स और दिखा दे, और इंडिकेटर दिखाना है इस पर। हाँ जी, करिए ऑन। तो DRLs अगर आप देख रहे हो तो बहुत दिन है तो इतनी दिख नहीं रही हैं, बट दिस इज हाउ इट इज। हाँ, ऑन कर दो। ये भी हैलोजन है यार, वो भी हैलोजन है, इनकी उसी में आएगी। तो इसकी भी हेडलाइट हैलोजन है, साउंड बड़ी क्रिस्पी लग रही है मुझे, है ना। लेकिन इसके अंदर भी अंडर बेली एग्जॉस्ट है, 6 स्पीड
स्पीड गियर बॉक्स है, 14 bhp की पावर देती है, सेम टॉर्क है जो आपका 125 का है, एज इट इज है। लेकिन बस इसका जो पोस्चर है वो प्योर स्पोर्ट्स है, राइट। एंट्री लेवल अगर आपको बाइक लेनी है बहुत सही है, तो बहुत सही है जी। प्राइसिंग ये देखो जी, 2,09,000 2,49,000 तो RC 125 का प्राइस अभी हमने पता किया है 2,09,000 रुपए 125 cc। लेकिन यार सो इसके अंदर जगह सस्पेंशन देख रहे हैं, हमने पूछा था कि ये एडजस्टेबल है कि नहीं, तो एडजस्टेबल नहीं है, बट हाँ आप हैंडल अपसाइड डाउन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे अगर आप LN की हैं खोल के आप नीचे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं अपने हाइट और अपने पॉस्चर के हिसाब से। तो ये है 2,09,000 रुपए की एक्स शोरूम नोएडा, नहीं ऑन रोड नोएडा, और ये है 2,49,000 यानी कि 2,50,000 रुपए की ऑन रोड नोएडा। ये भी 200 है, ये 200 cc है, वो 125 इस पेंट स्कीम के साथ आती है, सेम इंजन है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 24 bhp की पावर जनरेट करती है ये, राइट। और इसका टॉर्क है वो 19.2 का है, 19.2 का टॉर्क 24 bhp के साथ, 24 bhp के साथ, नाइस। इसका भी सेम डैश है, सेम डैश है, 13 लीटर का टैंक है, सेम LED है, सेम हैलोजन हेडलाइट है, सेम LED टेल लाइट है, सेम LED के इंडिकेटर्स हैं विद इन द हेडलाइट। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये इंडिकेटर्स हैं बेसिकली बाइक के, और ये हेडलाइट है, तो थोड़ा ध्यान से चलाएं क्योंकि अगर हेडलाइट गई तो इंडिकेटर गए, इंडिकेटर गए तो हेडलाइट गई क्योंकि जो चाचा है जो भतीजा है वही चाचा। तो और इसके मिरर्स मुझे बहुत सही लगते हैं, क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी है, हाँ तो नाइस क्वालिटी बहुत सही। अगर आप हाँ कान इसके बंद कर सकते हैं जब कान ऐंठने हो तो कान बंद कर दीजिए। और इसका लास्ट कलर जो वो है जो कि वहाँ रखा हुआ, मैं एक बार वहाँ पे और दिखा दूंगा, इस पर तो बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ऊंची है ये, है ना शुभ, हाँ गाड़ी कंफर्टेबल बनाई होगी और क्या जी। तो आशु भैया इस पर बैठ के देखेंगे एक बार, हाँ तो सेम 5.5 हाइट है भैया की, और यहाँ इस पे थोड़े से पैर इस पे भी ठीक आ रहे हैं इनके पैर, फर्स्ट क्लास हाइट होने के कुछ तो फायदे होते ही हैं, उनमें से एक ये फायदा है। तो अब आशु भैया जाते हुए टेस्ट राइड के लिए KTM एडवेंचर की 250 है ये, सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो RC का आता है और जो ड्यूक का आता है, बट इसमें ऑफ रोडिंग टायर्स डले हुए हैं। जब तक भैया आता है तो मैं अपना फीडबैक देता हूँ। हेलोजन है, DRLs हैं, एग्जैक्टली सेम चार्जर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का। पावर वाइज मुझे बहुत कमी लगी है गाड़ी के अंदर की, पावर इतनी नहीं है बट जो भी है ये हमारे ब्रदर आ गए हैं, अंडर पावर्ड है ना गाड़ी, अंडर पावर्ड है भाई, अंडर पावर है बाइक के हिसाब से जो आप सोच रहे हो वो जितना मुझे चाहिए ना, तीसरा गियर में मैं 40 पे रहा, बताओ यार तीसरा गियर में 40-50 ये बढ़िया है। तो KTM ड्यूक भैया चला के लाए 390 तीसरे गियर पे 75 से ऊपर ले गए। चलो मैं चला के देखता हूँ भाई, बिल्कुल भाई आशीष भैया जा रहे हैं 390 मेरे लिए छोटी है मुझे, मैं गाड़ी के ऊपर आ रहा हूँ, कुछ नहीं है, अरे दिल खुश हो जाएगा। सही है ना?